फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रगति इंस्टीट्यूट। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है प्रगति इंस्टीट्यूट। अपने पिछले वीडियो में, जो मेरे इससे पहले का वीडियो था डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन का, तो उसमें मैंने आपको डायरेक्ट और से इनडायरेक्ट में बदलने के कुछ एक नियम बताए थे। तो उनसे आगे उस बात से आगे हम लोग शुरू करते हैं। और उसमें मैंने आपको बताया था कि टेंसेज में किस तरह से चेंजेस होते हैं, वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो अपने उस वादे के अनुसार मैं आज आपको एसर्टिव सेंटेंस में कैसे इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उसके बारे में बताऊंगा, और टेंसेज को बदलने के नियम क्या होते हैं तो उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें एसर्टिव सेंटेंस में क्या होता है कि इन वाक्यों के द्वारा किसी बात का कथन या स्टेटमेंट होता है, यानी कि इन वाक्यों में किसी चीज को कहा जाता है, कुछ डिक्लेरेशन टाइप से होता है। तो इन वाक्यों को जब हम इनमें कैसे टेंसेस को बदलेंगे देखते हैं। तो पहला है इसमें टेंसेस में परिवर्तन संबंधी नियम, यानी रूल्स फॉर द चेंज ऑफ सेंटेंसेस। तो इसमें यह बताया है इन्होंने कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है हमारी, रिपोर्टिंग पार्ट जो मैंने बताया था, तो उसमें रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में होगी या फ्यूचर टेंस में होगी, तो जो रिपोर्टेड स्पीच में जो अंदर वर्ब होगी उसका टेंस हम नहीं बदलते हैं। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, राम सेज हरी हैज गॉन टू आगरा। राम सेज हरी हैज गॉन टू आगरा। तो ये हमारा डायरेक्ट नरेशन है, और जैसा मैंने बताया था, कॉमा से इधर का जितना भी होता है वो रिपोर्टिंग पार्ट कहलाता है। यानी कि इसमें ये पता चलता है कि कौन कह रहा है और किससे कह रहा है। और ये जो इन्वर्टेड कॉमास में होता है वो रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो इस पहले नियम के हिसाब से क्या है कि इन्होंने कहा है कि ये जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी होती है, ये वाली, ये जो सेज है, तो ये अगर हमारी प्रेजेंट टेंस में है या ये फ्यूचर टेंस में है, तो अंदर का जो टेंस होगा, जैसे हैज गॉन है, तो इसकी जगह पर हैड गॉन नहीं होगा। यानी कि ये टेंस में, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी चेंज नहीं होगा। कब होगा, कब नहीं होगा, जब हमारी ये रिपोर्टिंग वर्ब, यानी कॉमा से पहले वाली जो वर्ब है, वो प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो। तो अगर इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कैसे बनेगा, राम सेज ऐसे ही रहेगा और फिर दैट आ जाएगा। मैंने बताया था कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं इनडायरेक्ट बनाते समय। दैट हरी प्रॉपर नाम है, ऐसे ही रहेगा, इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल ही रहेगा हरी, और हैज की जगह पर हैज ही रहेगा, हैड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, हैज गॉन टू आगरा। तो ये हमारी बन गई इनडायरेक्ट नरेशन, ये इनडायरेक्ट इस तरह से बन गया। अब एक एग्जांपल हम लोग और लेते हैं जो कि फ्यूचर टेंस का होगा, जिसमें रिपोर्टिंग वर्ब हमारी फ्यूचर टेंस की होगी। इसको सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं, और इसमें है सोहन विल से आशा इज वेरी इंटेलिजेंट। सोहन विल से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आशा इज वेरी इंटेलिजेंट। ये हमारा क्या है, ये डायरेक्ट था, इसमें भी ये डायरेक्ट था, ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, और ये भी हमारी डायरेक्ट नरेशन है। अब इससे अगर इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, ये जो अभी मैंने बताया था कि प्रेजेंट टेंस रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमारी प्रेजेंट टेंस में होती है तो किस तरह से बनता है बताया, और अब रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमारी ये जो है ये हमारी फ्यूचर टेंस में है,
विल से लगा हुआ है, तो अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब हमारी फ्यूचर टेंस में होगी तो किस तरह से बनेगा, तब भी अंदर का टेंस यानी कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर का टेंस इसकी जगह पर ये वाज नहीं होगा, इसमें टेंस में कोई भी चेंज नहीं होगा। किसके टेंस में चेंज नहीं होगा? रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। तो इसका अगर हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो सोहन विल से ऐसा ही रहेगा ये, और कंजंक्शन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगेगा जैसा मैंने बताया था, और एक कंजंक्शन दैट का यूज हो जाएगा, दैट और आशा, चूंकि ये प्रॉपर नाउन है और इसमें जो है ए हमारा कैपिटल में ही रहेगा, आशा इसकी जगह पर इज ही रहेगा क्योंकि रूल्स के हिसाब से विल से जहां पर रिपोर्टिंग वर्ब होगी फ्यूचर टेंस में होगी तो अंदर का टेंस नहीं बदलेगा। फिर से बताया मैंने एक बार, आशा इज वेरी इंटेलिजेंट, ऐसे ही बन जाएगा ये, और ये हमारा इनडायरेक्ट नरेशन बन गया। तो ये पहला वाला रूल कंप्लीट हो गया, और इसमें कभी कभी ये जो रिपोर्टिंग वर्ब हमारी होती है सेज है या से है या सेड है, यहां पर अगर होगा ये रिपोर्टिंग वर्ब, यहां पर अगर सेज है या सेड सेड होती है, ये पास्ट टेंस में अगर होती है तो हमारी ये जो है किस तरह से बदलेगा, तो उसमें ये है कि से को हम अगर से के बाद हम यहां पर कोई ऑब्जेक्ट होता जैसे सेज टू मी होता तो यहां पर ये टेंस हो जाता, सेज टू की जगह पर क्या हो जाएगा, टेंस हो जाएगा, या से टू अगर होता राम से टू मी, या कोई यहां पर सेज की जगह पर केवल से टू होता तो से टू का टेल हो जाएगा, या सेज टू है तो टेल्स हो जाएगा, तो इस तरह से ये चेंज हो जाएगा। और अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में होती है जैसे राम सेड, अगर सेड टू मी होता या सेड टू हिम होता तो सेड टू अगर होगा तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, सेड टू का टोल्ड में रिपोर्टिंग वर्ब कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन ये इसमें कन्वर्ट या टेल या टेल्स या जो टोल्ड है उसमें कन्वर्ट तभी होगा जब यहां पर ऑब्जेक्ट होगा, यानी किससे कहा जा रहा है वो चीज अगर यहां पर होगी तभी ये इसमें कन्वर्ट होगा, से का टेल या सेस टू का टेल्स या सेट टू का टोल्ड, ये तभी कन्वर्ट होगा जब यहां पर रिपोर्टिंग पार्ट में ऑब्जेक्ट होगा। वेल स्टूडेंट, तो इसमें रूल नंबर टू है, जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में होती है तो अंदर का यानी रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब फॉर्म है, जो वर्ब है उसको भी हम चेंज कर देते हैं। कब चेंज होगा? अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में होगी तो इसका जो अंदर का रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब फॉर्म वो भी पास्ट टेंस में हो जाएगा, या जैसा भी सेंटेंस होगा उस हिसाब से उसको चेंज कर दिया जाएगा। तो रूल नंबर टू में ये जो हमारा ए पार्ट है, रूल नंबर टू में इसका ए पार्ट क्या है, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस बिकम्स सिंपल पास्ट। पास्ट टेंस, और ये कैसे होता है तो इसके लिए एक सेंटेंस लेते हैं, डायरेक्ट नरेशन है, मोहन सेड राकेश टेल्स अ लाई। मोहन सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा राकेश टेल्स अ लाई, ये हमारी डायरेक्ट नरेशन दे रखी हुई है, और इसको इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे तो इसमें मैंने बताया सिंपल मोहन सेड, सबसे पहले तो ये जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है वो हमारी पास्ट टेंस में आ गई, तो इस तभी जो है यहां का जो अंदर का टेंस होगा यानी टेल्स है इसको तभी चेंज किया जाएगा। तो क्या चेंज होगा, मोहन सेट
ऐसे ही आ जाएगा, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगेंगे, डेट हो जाएगा, कंजंक्शन यूज हो गया। राकेश ऐसे ही आ जाएगा, प्रॉपर नाउन। टेंस कैसे चेंज होगा, ये टेंस हमारा प्रेजेंट टेंस में है, यानी सिंपल प्रेजेंट में है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट बिकम्स सिंपल पास्ट, तो ये टेंस का यहां पर क्या हो जाएगा, टोल्ड अ लाई, ये हमारा इसका इनडायरेक्ट नरेशन बन गया। और इसके बाद जो इसका रूल टू का जो सब पार्ट है, यानी बी वाला जो इसका रूल है, उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट कंटिन्यूअस में बदल जाता है, तो रूल इसका बी नंबर जो रूल हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बिकम्स पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल जाता है। तो इसको देखते हैं एक सेंटेंस से, एक नरेशन से। सोहन सेड टू मी, सोहन सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा राम इज राइटिंग अ बुक, राम इज राइटिंग अ बुक। तो ये हमारा डायरेक्ट है, और इसको हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे। तो किस तरह से बदलेंगे, सोहन सेट टू का यहां पर क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा, जैसे मैंने आपको पहले बता चुका हूं, सोहन सेट टू का टोल्ड हो जाएगा। मी ऑब्जेक्ट है इसका, ऐसे ही रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा नहीं रहेंगे, डेट लग जाएगा इसकी जगह पर कंजंक्शन। राम प्रॉपर नाउन है, ऐसे ही रहेगा। अब जो टेंस चेंज की बात थी रिपोर्टेड स्पीच का, इज राइटिंग ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, और इसको अब हम किस में बदल देंगे, बिकम्स पास्ट कंटिन्यूअस। तो इस राइटिंग की जगह पर क्या हो जाएगा, वाज राइटिंग, राइटिंग अ बुक। तो इस तरह से ये इनडायरेक्ट इसका बन गया। और अब इसका जो सी वाला रूल है, बी के बाद सी, उसमें क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बिकम्स पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बिकम्स पास्ट परफेक्ट टेंस। अब ये कैसे होगा, इसको देखते हैं एक सेंटेंस के माध्यम से। सोहन सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा संध्या हैज कंप्लीटेड हर वर्क, कंप्लीटेड हर वर्क। ये हमारा डायरेक्ट नरेशन है, और इसको जब इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सोहन सेड दैट संध्या अब हैज कंप्लीटेड हमारा किस टेंस में होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है, तो हैज कंप्लीटेड की जगह पर जब इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे तो हैज की जगह पर क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा, और कंप्लीटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जो कि उसमें भी ऐसे ही रहेगा। तो हैड कंप्लीटेड
हर वर्ग, ये एक इनडायरेक्ट नरेशन बन गया। और इसके बाद जो डी रूल है सी के बाद, तो उसमें क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो किसमें बदल जाता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो डी रूल है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बिकम्स पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और इसके लिए एक सेंटेंस लेते हैं, ही सेड इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। ही सेड इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। ये हमारा डायरेक्ट नरेशन है और इसको जब इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के इसमें दैट का यूज हो जाएगा कंजंक्शन का, इट हैज बीन रेनिंग, हैज बीन रेनिंग ये जो हैज बीन रेनिंग ये हमारा क्या है, हैज बीन किसमें यूज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा किसमें हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, दैट इट, अब रिपोर्टेड स्पीच का ये जो फर्स्ट लेटर है ये हमारा किसमें हो जाएगा, स्मॉल में हो जाएगा, दैट इट हैज की जगह पर क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा, जब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे हैड बीन हो जाएगा। रेनिंग सिंस मॉर्निंग ऐसे ही रहेगा, नो चेंज। ये हमारा इनडायरेक्ट नरेशन बन गया। तो स्टूडेंट्स इसके बाद ई जो रूल है डी के बाद, उसमें क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस बदलकर हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाता है। तो ई जो रूल है पास्ट इंडेफिनिट बिकम्स पास्ट परफेक्ट टेंस। यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है वो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके लिए एक सेंटेंस देते हैं और ये है, ही सेड द हॉर्स डाइड इन द नाइट। ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा द हॉर्स डाइड इन द नाइट। तो इसको इनडायरेक्ट में जब कन्वर्ट करेंगे ये हमारा डायरेक्ट है, और इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट का यूज हो जाएगा, दैट द हॉर्स, द हमारा यहां पर ठीक स्मॉल हो जाएगा, द हॉर्स डाइट, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट में यूज होता है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो इसको जब हम पास्ट परफेक्ट में ले जाएंगे तो ये डाइट की जगह पर यहां पर क्या हो जाएगा, हैड डाइड, हैड डाइड
इन द नाइट ऐसे ही हो जाएगा, और इन्वर्टेड कॉमा यूज नहीं होगा। इनडायरेक्ट ये हमारा नरेशन बन गया। तो मेन क्या था, ये पास इंडेफिनिट यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म पास परफेक्ट में चेंज हो गई, हैड डाइड हो गया। और इसके बाद जो एफ रूल है हमारा, उसमें क्या हो जाता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस अगर होगा तो वो क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट हो जाता है। एफ रूल है पास्ट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बिकम्स, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बिकम्स पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और इसमें एक सेंटेंस लेते हैं, ही सेड द स्टूडेंट्स वर लर्निंग दियर लेसन्स। ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा द स्टूडेंट्स वर लर्निंग डियर लेसन्स। और ये हमारा डायरेक्ट नरेशन है, इन्वर्टेड कॉमा में है, इसलिए मीन्स हुआ ही सेट, उसने कहा द स्टूडेंट्स वर लर्निंग दियर लेसन्स, की विद्यार्थी अपने पाठ को याद कर रहे हैं। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, ही सेट रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में है, इसके अंदर का टेंस चेंज होगा, दैट यूज हो जाएगा कंजंक्शन द स्टूडेंट्स वर लर्निंग, हमारा पास्ट कंटिन्यूअस में यूज होता है, तो इसको अब हम किसमें कर देंगे, पास्ट कंटिन्यूअस बिकम्स पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो वर्ब लर्निंग का क्या हो जाएगा, हैड बीन लर्निंग, हैड बीन लर्निंग डियर लेसन्स, ये इनडायरेक्ट नरेशन हो गया। और इसके बाद एक जी नंबर का रूल है, एफ के बाद जी है, और इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस तथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कोई भी चेंज नहीं होता है, कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। कौन कौन से टेंस में, एक तो पास्ट परफेक्ट टेंस में कोई चेंज नहीं होगा, उसके टेंस रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है उसमें भी कोई चेंज नहीं होता है। तो एफ के बाद हमारा हो जाएगा जी, इसमें हो जाएगा नो चेंज टेक्स प्लेस इन पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और इसमें एक सेंटेंस लेते हैं, तो इसमें है दे सेड उषा हैड वॉन द मैच। दे सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा उषा हैड वॉन द मैच। तो ये हमारा डायरेक्ट नरेशन है, और इसको जब इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, दे सेड
उषा, अब हैड ऑन ये पास्ट परफेक्ट में यूज होता है, तो इसमें हमें कोई भी चेंज नहीं करना, ये टेंस जो है नहीं बदलता है किसी भी स्थिति में, उषा हैड ऑन का हैड ऑन ही रहता है। ये इनडायरेक्ट नरेशन हो गई, और इसमें ये तो मैंने बता दिया, नो चेंज टेक्स प्लेस इन पास्ट परफेक्ट टेंस का तो मैंने बता दिया, और दूसरा क्या है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो इसको भी एक सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। शी सेड आशा हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। शी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आशा हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। ये डायरेक्ट नरेशन हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, शी सेड उसने कहा आशा हैड बीन रीडिंग, आशा पढ़ रही है फॉर 2 आवर्स 2 घंटे से, तो हैड बीन रीडिंग किस में यूज होता है प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएजी लगता है, तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लगता है, और इसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की एक और पहचान होती है कि इसमें समय का उल्लेख होता है, समय डिस्क्राइब किया होता है कि कितने घंटे से पढ़ रही है, 2 घंटे से पढ़ रही है, तो इसको अब हम कन्वर्ट करेंगे तो कैसे होगा, इस टेंस में कोई भी चेंज नहीं आएगा, हैड बीन रीडिंग का हैड बीन रीडिंग ही रहेगा, तो इसको बनाते हैं शी सेड दैट आशा हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, ऐसा ही रहेगा, मतलब इसमें हैड बीन रीडिंग में कोई भी चेंज नहीं होगा, हैड बीन रीडिंग ही रहेगा जब इनडायरेक्ट में इसको कन्वर्ट करेंगे। वेल स्टूडेंट्स, तो ये टेंस में चेंज कैसे करते हैं, तो मेन मेन रूल्स तो मैंने बता दिए, लेकिन अभी इसका काफी भाग रह गया है जो कि मेरे इससे नेक्स्ट वीडियो में, यानी इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो पार्ट 3rd है उसमें आपको मिलेगा पढ़ने के लिए, तो मेरे इन दोनों वीडियोस को जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का फर्स्ट और सेकंड पार्ट जो है, तो उन वीडियोस को आप लोग शुरू से आखिर तक देख लें बार बार रिपीट करके, और इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट से भी शेयर करें। अगर इन वीडियोस में आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर या इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और अगर अब तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन समय से और सबसे पहले मिलते रहें, उनकी जानकारी मिलती रहे, और इससे आगे का जो पार्ट है टेंस चेंज वाला वो मेरे नेक्स्ट वीडियो में है, तो उसको देखना ना भूलें। अपने इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ, थैंक यू।